हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आकाश। आज लव टैप पे हैं हम। आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से ट्रीट करना है किसी लड़की को। अगर आपको भी कोई लड़की भाव नहीं देती है, आप किसी लड़की को जीएफ बनाना चाहते हैं, वो भाव नहीं दे रही है, आपकी खुद की जीएफ आपको भी कोई भाव नहीं दे रही, तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना जरूर है। अब जिससे आप अपना चूतियापा थोड़ा बहुत कम कर सको, जिससे आप अपनी थोड़ी गलतियाँ कम कर सको, क्योंकि क्यों ना, लड़के लड़का है ना, लड़के में इतनी सारी गलतियां भरी होती हैं कि लड़की, इसीलिए लड़कियों को प्रपोजल ज्यादा आते हैं। लड़की को लड़के को कोई करना है कि पहले से ही प्यार को जनरेट नहीं करना है किसी लड़की को, देखकर ही तुम प्यार प्यार पता नहीं फलाना ढेमका, जने क्या हो गया, मर जाऊंगा, कूद जाऊंगा, जने क्या क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब दिमाग होता है। दिमाग को अच्छी लग गई तो लग गई अच्छी, वो होता है, वो जिद होती है उसकी, हाँ मुझे पाना है तो पाना इसी को है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि लव हो कि माल है, ये हॉट है, चीज है, सब कुछ तुम्हारे सामने फेल है। अगर अगर आप उसके पीछे पड़ गए ना, आपने इस दिमाग पे ले भाई लिया, देख जब लड़की से मिले ना तो प्यार मोहब्बत को ना साइड में रख दो कि मुझसे प्यार हो गया, एक ही नजर में प्यार हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर स्टार्टिंग से तुम लड़की लड़की की क्या आदत होती है, एक खास पहचान लड़की क्या होती है, स्टार्टिंग में तो वो लाइन मारती है, लेकिन जब तुम प्रपोज करने जाते हो ना तो इतना रौला दिखाती ना कि भाई क्या जाने जने क्या क्या हो, ऐसे रोले दिखाती है। तुम क्या सोचते हो, वो माल है, हॉट है, चीज है, पहली बार में देख के ही पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हो। मूवीज दिखाऊंगा ऐसे जने क्या, फ्रेंड बन जाए, प्यार हजार। भाई प्यार हो ना, अट्रैक्शन एक ही चीज होता है, प्यार अट्रैक्शन एक ही होता है, और एक जरूरी नहीं कि प्यार एक बार हो, बहुत हजार बार होता है, लेकिन दूसरी वाली में क्या दम होना चाहिए। प्यार हजार बार होता है लेकिन दूसरी वाले में क्या दम होना चाहिए, दम। ये एक लव एंगल वो नहीं होता है, एक दिमाग का एंगल होता है, एक माइंड का, जो दिल माइंड दिल है, दिल को भी माइंड यूज करता है, लेकिन तुम पता नहीं क्या कि दिल है वो है जे है वो है, अरे सब जूतियापा है, सिर्फ माइंड का खेल होता है बेटा, सिर्फ माइंड का। अगर माइंड को तुमने कंट्रोल कर लिया ना तो दिल भी अपने आप कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि माइंड ही है जो सब पूरी बॉडी को संतुलन करता है। तो इसलिए आप माइंड में ही विश्वास रखें, दिल उल कुछ भी नहीं होता है, जो दिमाग का खेल होता है सब कुछ, लड़की तुम्हारे लिए खेलेगी अगर तुम दिल पे ले जाओगे। इसलिए दिमाग से चलाओ अपने काम, अपने प्यार को, ठीक है। चलो ये तो बात होगी कि ये चीजें नहीं करना, अब बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। आपको देखो कुछ अलग लगना है, मतलब सबसे अलग लगो, ऐसा लगो कि तुम मतलब कुछ अलग माइंड के हो, क्योंकि लड़की और लड़का तभी पढ़ते हैं जब कहते हैं कि मैं बहुत अलग हूँ। लड़की भले ही उस टाइम मतलब तुम मान लो उस लड़की की बात है, लेकिन ऐसे ही तुम्हें भी मानना मनवाना है उससे कि तुम अलग हो सबसे। तो क्या है करना है, उसे देखकर स्टार्टिंग में ही लव एंगल क्रिएट नहीं करना है जैसे लड़की करती है। लड़की की क्या आदत होती है, लड़की क्यों, लड़की के लिए ही प्रपोजल क्यों आते, लड़के को क्यों नहीं आते, क्योंकि लड़की ना स्टार्टिंग में चूतिया बना देती है लोगों को कि पहले लाइन मारती खूब, फिर उसके बाद कतई भाव देना एक साथ बंद कर देती। आप ही सोचो, अगर कोई आपको एक बार पहले स्टार्टिंग में पहले खूब लाइन मारे या खूब कुछ और कोई काम करे, बाद में एक साथ बंद कर दे, तो आपको उसके ही बारे में सोचते रहोगे दिन भर उसके बारे में, वो क्या है, सैड से पता नहीं क्या क्या, वो तो ब्यूटीफुल है तो वो उसके लिए ब्यूटीफुल क्या, कहने से फायदा, कुछ अलग बोलो उसे और नॉर्मली बात करो उससे, मिलो मतलब कुछ थोड़ा दिखाओ कि हाँ मैं एक अच्छा हूँ, मतलब अलग हूँ सबसे, और कैजुअल रहो। लव एंगल स्टार्टिंग में क्रिएट नहीं करना है, अब भी कह रहा हूँ, चूतियापा कोई सा नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मली बात करो और इधर उधर की बातें ज़्यादा ना करो, अपने बचपन की यादें बातें करो, जैसे कुछ करेगी क्या वो तुम्हें भाव क्या सब कुछ देगी, लेकिन तुम भी उसी टाइप से बनो ना। लड़की कि एक आदत होती है कि वो उसी को भाव देती है जो उससे भाव लेना चाहता है, सबको नहीं देती, कुछ अलग होता है उसी को देगी, उसके लिए तो सभी एक से हैं। तो ये चूतिया पर कुछ भी गलत नहीं करना है।
देखो अगर मान लिया तुमने लड़की पटा भी ली है और तुम लेकिन तुम्हारी लड़ाई होती चली जा रही है, पता नहीं क्या क्या, तो लड़ाई की वजह क्या होती है? हैप्पीनेस की कमी, मजे की कमी। मजे तुम उस टाइम नहीं लेते हो, तुम क्या करते हो कि उससे बात नहीं करे, इससे बात नहीं करे, वो उससे बात नहीं करे, ऐसी लड़ाई होती रहती है कि उससे बात कर ली तो तुमने मार दी, ये कह दिया वो सुना दिया, उसने तुमने कर लिया तो उसने सुना दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक हर एक दूसरे को मजे चाहिए। जिस दिन तुम्हारे मजे बंद हो गए करना करवाना उसको, तो समझ लो वो कहते हैं ना इंटरेस्ट खत्म हो गया। इंटरेस्ट ही होता है लव, कुछ नहीं होता। मैंने पहले भी कहा था कि माइंड का इंटरेस्ट होता है सिर्फ। अगर आपने उसको टेंशन दी तो आपकी सब बकवास कुछ भी ना सुनेगी। अगर तुम ही सोचो अगर तुमको कोई इतनी टेंशन दे, डेली आके टेंशन दे, तो तुम उसकी बकवास सुनने में इच्छा रखोगे? बकवास सुनने की कुछ भी ना रखोगे। उससे क्या करो, बचपन की नौटंकियाँ सुनाओ। मतलब किसी लड़की को अगर पटाना है तो उसे भी बचपन की नौटंकियाँ सुनाओ कि बचपन में मैं ऐसा करता था, वैसा करता था, और उसे स्माइल बताओ, स्माइलीज भेजो, और बहुत सारे मतलब स्माइलीज के चेहरे बनाओ, और फ्यूचर प्लान्स बताओ उसे, गोल्स बताओ अपने, और कल परसों की प्लानिंग बताओ कि कल क्या करोगे, परसों क्या करोगे, और बहुत सारी इमोजीज बनाओ उसके सामने। और मजे उसे क्या मजे चाहिए, बस मजे देते रहो उसे। क्लोजनेस वो सोचेगी कि अरे इसके बंदे में तो बहुत दम है, क्यों ना इसके पास जाना चाहिए। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उसकी दुश्मन हो, जो सबसे करीब वाली दुश्मन, क्लास में या कहीं भी जो पड़ोस में दुश्मन हो ना, उसको दोस्त बना लो अपनी। बस आपका काम तो क्या चुटकियों में हो जाएगा, बस उसको दोस्त बनाना चाहिए। क्योंकि लड़की क्या है, एक मतलब मानता हूँ मैं सब होती है दोस्त, लेकिन क्या है अंदर से तब भी एक चिड़न सी होती है, जलस सी होती है कि उस लड़की से ही क्यों बोलता है वो, क्यों ना मेरे से बात करे वो। मतलब तो तुम उससे बातें करो, उससे क्या है कि उसकी मतलब थोड़ी उसकी जो स्मार्टनेस है उसको उस लड़की से बताओ कि हाँ देखो ना आपकी वो कितनी मतलब अच्छी है। ऐसे नहीं कि गलत तरह से बताना है, कि उसकी तारीफ इस तरह से करना है कि वो उस नाराज भी ना हो, जले भी। मतलब जलाना ज़्यादा नहीं है कि इस तरह से जलाओ कि वो इतनी माल है, कि ऐसी है, सेक्सी है, जे है, वो है, इस तरह से नहीं जलाना है। ये जलाना है कि हाँ देखो वो कितना मतलब अच्छा गाती है, या कितना अच्छा लिखती है, कितना उसकी मतलब क्वालिटीज की तारीफ करो, जिससे कि वो खुद सोचेगी कि ये बंदा उधर ज़्यादा से ज़्यादा सरक रहा है, इसलिए सीरियसली वो यही समझेगी कि हाँ भाई इसमें मतलब हम ज़्यादा इसको भाव ना दें, तो वो भाव भी ज़्यादा ना देगी। उसे हॉट माल ब्यूटीफुल कुछ भी नहीं कहना तुम्हें, उसकी फ्रेंड को तुम्हें बस क्या है कि उसकी फ्रेंड की तारीफ थोड़ी बहुत करनी है, और तुम उसकी फ्रेंड से कभी कभी बात भी कर लिया करो। मतलब ऐसी बात नहीं करनी कि गए अकेले में बात कर लिया, कि सबके सामने थोड़ी थोड़ी सी बात कभी कर लिया करो, तो मतलब उसके लिए जलसी ज़्यादा होती है, मतलब भाव देना थोड़ा सा बंद कर देती है, तो वो आपकी मतलब ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करेगी। हाँ अच्छा है, ठीक है, वो अगर तुम उससे कहोगी कि हाँ वो लड़की कितनी अच्छा लिखने में मतलब अच्छी लगती है, थोड़ी बहुत दिमाग से बहुत स्मार्ट है, तो वो क्या कहेगी, हाँ अच्छा है, ठीक ठाक है, तो या क्या करेगी, या तुम्हें भड़काएगी कि हाँ नहीं वो ऐसी है, इस तरह की है, उस तरह की है, पता नहीं क्या क्या, वो उसकी गलती सारी बताएगी कि उस दिन उसने इतना बुरा किया था, इतना ऐसा किया था। तो उससे क्या है, वो तुम्हारी उसकी क्लोजनेस बढ़ेगी, मतलब वो तुम्हारे पास आने की कोशिश करेगी, कहीं उस उधर ना सरक जाए वो। क्योंकि लड़कियों में क्या जो ज्वेलसीपन होता है ना, वो नेचुरल होता है, मतलब इट इज नेचुरल। एक दूसरे के खिलाफ होती हैं सारी लड़कियां, लेकिन जो है ऐसा भी है मतलब बहुत क्लोज होती हैं, लेकिन फिर भी एक ज्वेलसी मतलब ज़्यादा होती है लड़कियों में, थोड़ी ज्वेलस टाइप की ज़्यादा होती हैं। तो वो क्या भाव क्या सब कुछ देगी। अगर तुमने ये इन नियमों को पालन कर लिया ना, तो तुम कहते तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना लड़ाई। मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए, ना लड़ाई होगी तुम्हारी। क्या करना है, मजे ख़त्म नहीं करना है उसे, नए नए तरकीबे सोचो कि उसे कैसे हंसाना है, किस तरह से खुश रखना है। तुम ही सोचो अगर तुमने लड़ाई उस दिन कर दी और कोई उससे ऐसा मिल गया जो उसे हंसा दे, मतलब पूरा उसका दिन खुश कर दे, और तुम